यादव हत्याकांड मामले में क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं। क्राइम ब्रांच ने साहिल के पिता वीरेंद्र गहलोत से भी लंबी पूछताछ के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि साहिल के पिता को निक्की की हत्या की पूरी जानकारी थी। उसे यह भी पता था कि साहिल ने निक्की की हत्या कर ढाबे में फ्रिज के अंदर शव को छिपा रखा है, बावजूद इसके उसने बेटे की दूसरी लड़की से शादी करा दी। क्राइम ब्रांच ने साहिल के दो चचेरे भाइयों और दो दोस्तों को भी हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की है। इन चारों की संलिप्तता का पता चलने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच रविंद्र सिंह यादव ने इसकी पुष्टि की है। जांच में पता चला है कि साहिल ने निक्की से 2020 में ही शादी कर ली थी। इसकी जानकारी साहिल के पूरे परिवार को भी थी। इसके बावजूद परिवार ने साहिल की दूसरी शादी तय कर दी। इस बात को साहिल ने निक्की से छिपाया। बाद में निक्की को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। साहिल ने निक्की को कहा कि वह उसके साथ घर से भागकर कहीं और रहने लगेगा। सगाई के बाद 10 फरवरी की सुबह साहिल कार लेकर निक्की के घर पहुंचा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह हत्याकांड योजना के तहत अंजाम दिया गया है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि साहिल ने अपने दो चचेरे भाइयों और दो दोस्तों को पहले से ही अपने ढाबे में बिठा दिया था। निक्की को पहले साहिल अपनी कार से इधर उधर घुमाता रहा और इसके बाद अपने ढाबे पर पहुंचा। अभी तक की जांच में ऐसा लग रहा है कि निक्की की हत्या ढाबे में ही की गई। जांच से इसकी पुष्टि होगी। पुलिस को अब तक ये पता नहीं लग पाया है कि साहिल ने 9 फरवरी की देर रात निक्की की हत्या कहां और कैसे की। वह पूछताछ में लगातार क्राइम ब्रांच को गुमराह कर रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।